सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज है हमारे पास सोडियम मेटल, एंड जहाँ तक हमें इसके बारे में पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, पानी के संपर्क में आते ही ये ब्लास्ट हो जाती है। हाँ, हालांकि हमने ये सब तो सिर्फ अभी किताबों में पढ़े हैं, तो क्या ये वास्तविक उतना रिएक्टिव होती है या फिर नहीं? तो चलो आज हम ट्राई करें। तो मेरा इस सोडियम मेटल से हम खोलते हैं, एंड आप सोच रहे होंगे कि हमने गलम लगाए तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हवा के संपर्क में आकर भी रिएक्ट करने लगती है, और हमारे हाथ में पसीना भी होती है उससे भी ये रिएक्ट कर सकती है एंड ये ब्लास्ट हो जाएगी। एंड हाँ, आप इस चीज़ को घर पे बिल्कुल दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो फाइनली हमने यहाँ पे निकाल ली है सोडियम मेटल, एंड इसे अब इस पानी में भिगेंगे और फिर देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करती है। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए हमें पूरे सावधानी पूर्वक इसे करनी होगी, कम इसे रखते ही यहाँ से दूर भाग जाएंगे। तो बिना देरी किए इसे रखते हैं इन 3, 2, 1। भाई गजब, ये पहली वाली तो काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट की, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ब्लास्ट हुआ। तो हमारे पास एक और है सोडियम मेटल, तो चलो इसे भी रखते हैं और फिर देखते हैं कैसा होता है और किस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। सो बिना देरी के चलो इसे भी रखते हैं। 3, 2, 1, GO! तो गाइज यार, जैसा कि हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। सो आप ऐसा कोई भी चीज़ घर पे दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा भी पूरे सावधानी के साथ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले और मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।